हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स और व्यूअर्स आप सबको बहुत ज्यादा और सब्सक्राइबर्स आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम बैक मेरी और वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने बेस्ट में होंगे। अगर आप लोग अपने बेस्ट में नहीं भी तभी भी चलवाओ जल्द ओवर विद इट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अजहा का टाइम आ गया और ईद बिल्कुल हमारे सर पे है। इतनी जल्दी आ गई है पता ही नहीं लगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने ईद उल फितर के चीजों को वेलकम एंड गेस्टिंग की थी, तो अब सडनली नई ईद आ गई है। तो टाइम आजकल बहुत तेज चल रहा है भाई, बहुत तेज। तो अब इस ईद में आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट एंड जो मेजर पार्ट प्ले करते हैं वो एनिमल्स ही करते हैं, हमारे जानवर ही करते हैं, क्योंकि ईद की थीम ही ये है कि हमने जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। और अब जब जानवरों की ईद है तो खुद को इतना तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली जो लोग कुर्बानी करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपने जानवर जो होता है, चाहे वो बकरा है, शीप है, ऊंट है, गाय है, व्हाटएवर है, उसको भी तैयार करते ही हैं। बहुत सारे लोग भैंस की भी कुर्बानी करते हैं। तो खैर, जिस किसी की भी करे ये हमारा मसला नहीं है, हमारा काम है आपको सिखाना। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बुल है, जो हमारा शहजादा है, उसको हम किस तरह तैयार करेंगे। वैसे आई एम नॉट इन टू बुल एडिटिंग या बुल्स को तैयार करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे काउस पसंद है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक स्पेशल मौका है, एक खुदा की राह में उसने कुर्बान होना है, तो फिर इस वजह से जो हमारा एक ही, मेरे पास सिर्फ एक ही बुल है टेक्स्टर, एंड हम उसी को कुर्बान करने वाले हैं। हमने पहले गाय नॉमिनेट की हुई थी लेकिन उसको नहीं कर सकते, बस दिल नहीं माना हमारा। सो फ्रेंड्स, जहां तक डिजाइनिंग कंसर्न है, बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते भी रहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और हम कैसे करें, तो इसके ऊपर आई विल मेक अनदर सीरीज, सेपरेट सीरीज बनाऊंगा इस पर। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि आप कुछ भी जब डिजाइन करने वाले हों तो उससे पहले, नेसेसरी तो नहीं कहूँगा लेकिन इम्पॉर्टेंट कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ का एक स्केच जरूर बना लें जिसको आपने कपड़े पहनाने हैं। अब वेदर इट्स बुल या वेदर इट्स ह्यूमन, तो मेरे केस में भी हमने अपना छोटा सा खूबसूरत सा शहजादा टेक्सचर का एक आउटलेट सा बनाया है। तो इस पर जब काउस की एक्सेसरीज की बात आती है, जब काउ डिजाइनिंग की बात आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वाइटल एंड मेजर पार्ट प्ले करता है वो उसको होता है फेस बियरी, कि उसकी जो हेड गियर है और जो उसकी माथा पट्टी होगी और जो लिप्स के अराउंड होगा, मतलब मूज के अराउंड होगा, उसमें हम कौन से कलर का होगा वो। लेकिन क्योंकि हमारे केस में अब ये नेग्लेक्टेड है, हम बाहर से लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसा ना ही तो लेदर है ना ही तो वेलवेट है कि मैं किसी को दे के सिलवाऊं और बनवाऊं। तो फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउ डिजाइनिंग में वो है उसका वाइट बियर्ड, के जो नीचे वो क्या पहनेगी उसके ऊपर बाकी एक्सेसरीज का सारा कलर स्टैंड होता है। तो मैंने अपने डेक्स्टर के लिए ये रेड कलर की इस तरह की शॉल प्लान की सोची, क्योंकि जो मैंने अपने स्कूल के टाइम में जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्मेंस किया था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल मोमेंट है लाइफ का। तो मुझे लगता है कि डेक्स्टर के लिए भी ये बहुत ही यादगार मोमेंट रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और लाइफ का तो एंड ही होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि टेक्सचर के लिए भी ऐसा हो, इसके साथ पॉम पॉम तो चलेंगे ही चलेंगे क्योंकि ये तो काउ एक्सेसरीज में होते ही होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इसकी जो शॉल है वो नीज से ऊपर होगी, तो इसकी एंडिंग जो है वो सिल्क और सिल्क के नीचे स्प्लिट एंड्स में नेक डालेंगे, तो वो उसको थोड़ा अम्ब्रेला अम्ब्रेला सा लुक देगा, नीचे से उठा हुआ लुक देगा। अब फ्रेंड्स, जब शॉल नीज से ऊपर होगी तो फिर नीज में भी कुछ अच्छा सा खूबसूरत सा होना चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि सिल्क के रिबन्स के साथ हम सिंपल से बस दो बॉल्स बना देंगे मिक्स कलर को करके। ये अभी रेडी मैंने नहीं किया, जस्ट डिजाइन किया इसको, तो आज या कल इंशाल्लाह मैं इसको भी रेडी कर लूंगा। इस सब के अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी होती है फॉर्मेलिटी के लिए या उनके लिए जो बहुत ही ज्यादा शौकीन है, तो वो भी अगर उसकी फॉर एग्जाम्पल दुम में, टेल में कुछ डालना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रांडी बेस्ट ऑप्शन होता है ऑल द टाइम। लेकिन हम अपने बुल की टेल में कुछ भी नहीं बांधेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो बुल है वो उस टाइम पे स्ट्रेस होते हैं और हाइपर होते हैं, तो ये जो है अपनी टेल में जब इनकी कोई चीज़ बांधो तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उस केस में इनको काम करना। तो अब कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं तो तब तो ये वाले छदम तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते अपने दांत के साथ, वो नस जाएगा। सेम गोल्स विद द इयररिंग्स, इयररिंग्स जो है ये तो एक जब डिज़ाइन करना है तो पूरा पैकेज बनाना होता है, तो फॉर्मेलिटी के लिए इसके साथ रखी है। वैसे जो इयररिंग्स है हमारे बुल के कान भी नहीं सिले हुए, हमारा बुल कोई मड़ा सी थोड़ा है जिसके कान सिलवाए थे, सॉरी टू से दैट, लेकिन हम उसके कानों में भी कुछ नहीं डालेंगे। एंड एज फार एज नर्स रिंग इज कंसर्न, तो यहाँ पे ये मेरा दिल था कि हम जरूर रखेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ये भी इसको भी रखने का टाइम ही नहीं मिला, तो अब इसलिए हम सिंपल एंकलेट्स डालेंगे। और एंकलेट्स के केस में भी लास्ट ईयर मैंने घुंघरू लगवाए थे, घुंघरुओं का पैड बनवाया था, तो वो भी जो बुल था उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था और अपने दूसरी लेग से उसको यूं हर टाइम खुदरता रहता था। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जानवर को जो तैयार कर रहे हैं उसको ऐसे तैयार करें कि वो तंग ना हो, उसके लिए इरिटेशन ना बने। अब दिस ईयर मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी स्कूल टाइम में एंड स्कूल टाइम की, एंड उन्होंने बाकायदा ही कहा कि उनका नाम लिया जाए, तो जबेरिया ने ये मेरे लिए स्पेशल डिज़ाइन करवा के भेजे हैं। वो भी वो एक्सेसरी एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इन है, मेरी तरह घर में ही डिजाइनिंग करती हैं, तो उन्होंने ये नेक वियर बनाया है आई थिंक सो। ये इलास्टिक के ऊपर उसने कॉइन्स लगाए हुए हैं एंड उसके साथ साथ
ये भी कोई एक सिंपल सी माथे के लिए है कुछ एंड हम देखेंगे वैसे I'm gonna add leather माथे वाली पट्टी होने तो ये जवेरिया आप अपना वापस लेके जाए लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको कहीं पे फिक्स एंड मैनेज कर दूं ओवरऑल ऑन द होल फ्रेंड्स मैं आप सबको ये कहूंगा कि बस आप अगर अपने जानवर को तैयार भी कर रहे हैं तो उसको गलियों में लेके शो ऑफ के लिए प्लीज रैप वाक मत करवाएं क्योंकि इससे बहुत सारे फॉरेन लोग हर्ट भी हो सकते हैं क्योंकि देयर आर थाउजेंड ऑफ मेनी अदर पीपल जो कुर्बानी नहीं करते या अफोर्ड नहीं कर सकते या देयर आर प्लेंटी ऑफ मेनी अदर रीजंस तो आप अगर कुर्बानी कर भी नहीं तो उसको प्लीज कंपटीशन ना बनाएं ये कोई बुल कंटेस्ट कोई एनिमल कंटेस्ट नहीं होने वाला तो आप कोशिश करेंगे जो कुछ भी कर रहे हैं अपने हद तक ही रखें मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपना बुल दिखाएं ईद का तो हम वो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मुझे सोशल मीडिया पे चीजें ना पोस्ट करनी बिल्कुल भी नहीं पसंद सॉरी टू से दैट लेकिन हाँ मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक कभी जरूर मिल जाएगा तो जो बुल हमने मैंने कुर्बानी जिसकी कही नहीं है वो वही टेक्स्टेड है हमारे मैंने उसके ऊपर एक पहली वीडियो डाली हुई है तो वहां पे उसको आप देख लें ईद का लेबल लगा के एज अ स्पेशल वीडियो मैं नहीं डालूंगा भाई मुझे ये नहीं पसंद एंड फ्रेंड्स आखिर में इन द एंड फिर से वही बात कि कोई भैंस ज़बह कर रहा है या ऊंट ज़बह कर रहा है या शीप ज़बह कर रहा है आप लोग प्लीज इसको कंपटीशन में मत ले ये सिर्फ एक नियत के लिए होता है शो ऑफ के लिए और ज्यादा पैसा लगाना ज्यादा ट्रेंडी बनना इज नॉट व्हाट इट्स ऑल अबाउट इट्स अबाउट नियत और हैप्पीनेस सेपरेट करना इज द मेन सब्जेक्ट सो फ्रेंड्स एनीवेज बाकी आप लोगों का जो दिल है करें बस बंदे के बच्चे बने नहीं सो मैं मिलता हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द तब तक कीप शेयरिंग स्प्रेडिंग स्माइलिंग टू यू नहीं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बाकी बहुत सारे लोगों का ख्याल रखिएगा एंड बाकी लिविंग क्रिएट पेशेंस का भी ख्याल रखिएगा भला कीजिएगा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने तक डू नॉट फॉरगेट टू रेट एंड कमेंट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड द बेल आइकन तो मैं मतलब आपको मेरी सोशल बहुत जल्द तब तक के लिए आप सबको मेकअप से बहुत ही ज्यादा और डेक्स्टर की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा अल्लाह हाफिज़